पाजी आपके ढेर सारे फैंस हैं यहाँ पे जो आपसे गाने भी सुनना चाहते हैं, आपसे बातें भी करना चाहते हैं, आप लोगों में से जो भी राहत जी से बात करना चाहता है तो जी। ए क्या ए पाजी साढ़े पीछे मोहल्ले में रहती हैं ये भाभी, क्या बात करनी है आपको? अरे तुम्हारे भैया थे नहीं घर पे, हम आवाज सुने आ गए इधर। तो आप आवाज सुन के कहीं भी चली जाती हैं? नहीं, तुम्हारा आवाज सुन के कभी आए क्या? कभी नहीं आए। तो राहत फतेह अली खान साहब का आवाज सुने, आवाज से हम पहचान गए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ। नहीं नहीं, शुक्रिया तो आपका है, हमारा थोड़ा ही शुक्रिया है। तो आपका भी तो कुछ ना कुछ होगा ही फिर। बहुत कुछ है हमारे। क्या है आपके पास? क्यों बताए? तुम डीसी लगे हो तो तुमको बताएं, हम रिपोर्ट लिखवाएं तुमको। बताती क्या है? क्यों बताएं? हम ये बता देते हैं कि जैसे सिद्धू साहब हैं जी, इनको सब शहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शहरी कहते हैं ना? शहरी, हाँ ठीक कह रही है। आप कपिल हैं, आपको कप्पू कहते हैं। हाँ। राहत फतेह अली खान साहब हैं, इनको सब टिप्पू कहते हैं। और हम रिंकू देवी हैं, हमको कैट कहते हैं। बिल्ली वाला नहीं। हाँ। मोहल्ले में हमारे आजू बाजू के लोग सब कटरीना कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा तो बहुत ख्वाहिश था कि हमारे हस्बैंड भी आवाज अच्छा हो, गाना गाते हो। उसका तो मुंह ही नहीं अच्छा था, आवाज कैसी अच्छी? मुंह तो नहीं है अच्छा, हम मानते हैं। लेकिन जब शादी हुआ तो रिश्ता का बात चल रहा था ना जब हमारा, तो कहे कि उनका बहुत अच्छा आवाज है, गांव में सबसे ऊंचा सुरुनी का है। तो हम शादी करा लिए, बाद में पता चला कबाड़ी का काम है, ऊंचा सुर है उनका। पर हम आपके लिए आए हैं राहत फतेह अली खान साहब, हम आपका दुख दर्द समझते हैं, इसलिए आए हैं। इधर आके बात कर लो ना। ओ बस मौका ढूंढ रहे थे, अब मिला है। छेड़ रहा है, हम आपके लिए पहले ठंडा लाने वाले थे, फिर सोचे सिंगर हैं गला खराब हो जाएगा आपका। हम आपका दर्द समझते हैं, माइक के पीछे आप गाना गाते रहें, अब सब हीरो हीरोइन उसके ऊपर रोमांस करते रहें। फीलिंग आप भरे गाने में, रोमांस करे कोई और हीरो, ऐसे थोड़ा ही होता है। आज हम वो मौका नहीं छोड़ेंगे। आप आज हंसिए। हंसिए नहीं, अभी रोमांस करेंगे और आप गाना नहीं गाएंगे। कटरीना तो है ही आपके साथ, बस नहीं। अरे अरे यार ये क्या कर रहे हैं? अरे आप आज हमारी राहत सामग्री हैं, बस ये समझ लीजिए। हाँ। अभी आप हीरो हैं, हम आपकी हीरोइन हैं। कुछ और लगा दो यार। इससे पहले ये भजन बता दे लगाने को, कोई कमाल नहीं लगा दो सर। पाजी जड़ी ऊपर छाल मारी है ना, तुसी छाल मार के ऊपर वो गीता है, वो तो कमाल सी है। चलो ठीक है, चल रिंकू भाभी नमस्ते। आई लव यू। मार ही डालोगे। आसमान अपनी छत, बिछोना ये जमीन हो जाए, आओ कुछ ऐसे मिल जाए कि दो से तीन हो जाए। हो जाओ दो दो तीन उड़ दो। अजी दूसरे भी कुछ बोलो। मोहतरमा कौन है आप? भूल गए क्या? हम बेगम हैं, बेगम लुच्ची। हम आए थे ना दिल्ली आपसे मिलने के लिए शो में, तो आप यहाँ तक पहुँच गए दिल्ली से? अरे लोग तो मोहब्बत में जेल तक जाते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ तक आए हैं। मैं अब कहाँ जाऊँगा? बैठिए ना। टाइट क्लोज में क्या लगते हैं आप खान साहब? खान साहब को टाइट क्लोज में ना देख बच्चा है। कहाँ थे आप खान साहब, बताइए ना कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए। आपके इंतजार में हम दिया जलाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मुंह देखकर लग रहा है आपका दिया बुझ चुका काफी साल पहले। खामोश, हम सिर्फ ऊपर से बुझे हैं,
ये मोहब्बत के दो फूंक मार दे, हम फिर से जल उठेंगे। मारिए ना। और देखो क्या आप मोहब्बत के चक्कर में पड़ी बेगम साहब, भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए, जाके नान बनाइए, गरीबों में बांटिए, आपको पुण्य लगेगा, जाइए। गरीबों को नान बांटने का काम हमारे नवाब साहब करते हैं। आप मेरे को पता कौन सा गरीबों का काम करते हैं? पाजी वो पिज्जा डिलीवर करते हैं साइकिल पे, और 30 मिनट में पहुंचाने के चक्कर में दो बार मरते मरते बचे इनके नवाब साहब। खामोश करो गुस्ताख कहीं के। मेरा नाम गुस्ताख नहीं, मेरा नाम कपिल है। लाहौल वाला कुवत। ये कहां पड़ता है? अरे भाई वाह वाह वाह, आला वर्ण आला वर्ण। और कहां साहब? अरे बेगम हटिए, कहां घुटने ऊपर से मिलो, ऊपर से मिलो। हाँ साहब। अरे सर कैसे? मुरीद है हम आप। सर 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 मुरीद है हम आपके। वाह सर, हम तो खुदा से अरफाज़ करेंगे कि भाई हम भी किसी दिन आपकी तरह सुर लगा सकें। सुर की बात तो रहने दीजिए नवाब साहब, इस उम्र पे पान पे कत्ता लगाया नहीं जाता आपसे, पड़े हैं सुर लगाने के लिए। खैर इन्हें छोड़िए, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे किसी दिन खान साहब आप हमारी हवेली पे तशरीफ लाएं। आपकी छोटी सी हवेली खान साहब बुला रहे हैं, उसमें आपकी तशरीफ नहीं पूरी आती। उनको तशरीफ दे। आपको पता है ये हवेली में घुस जाते हैं, इनकी तशरीफ बाहर भीगती रहती पानी में। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई हमें चाची की का बड़ा शौक है। चाची की नहीं, मौसी की बोलते हैं। लेकिन हमारी मौसी है ही नहीं तो हम मौसी की क्यों बोलें? हमारी एक चाची है जो बखूबी बड़ा अच्छा गाती है, तो हमें चाची की का ही शौक होगा ना। खैर हम आपको बताएं कि भाई एक जो है एक हुनर है हमारे अंदर जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सिर्फ हुनर नहीं, इनके अंदर प्रॉपर एक बैल है, एक कमाल का हुनर है। अगर आप अपना आपका वो जो गाना है वो दिल तो बच्चा है जी, वो अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें तो हम अपना हुनर आपको दिखा सकते हैं। दिल तो बच्चा है ये गाएंगे तो आप क्या बच्चा पैदा करके दिखाएंगे? हुनर क्या है मतलब आपका? हुनर हम बताएं आप करेंगे, आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अगर तो हम। जी ये दिल बच्चा नहीं है। कैसा लगा आपको? बखुदा आपने तो जो किया आपको तो जेल होनी चाहिए। सच में खान साहब के सामने आपने हमें जलील कर दिया। जनाब कपूर शर्मा जी, आप इन्हें सजा देंगे या मैं खुद इन्हें घर ले जाकर सुझाऊं? कितना सुझाएंगे और आप? हम चलते हैं जी। चलते ठीक है, छूना मत। मुरीद है हम आपके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मौका मिला हमें बस, शुक्रिया शुक्रिया। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates